हीरो महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में गुरुवार को भारत ने वर्तमान चैंपियन जापान को 4-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में भारत का मुकाबला रविवार को चीन के साथ होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया। टीम ने बढ़िया संयोजन और सही रणनीति के साथ खेलते हुए पिछले चैंपियन जापान को 4-2 से हरा दिया। मुकाबला काफी टक्कर का रहा, लेकिन भारतीय टीम ने अंत तक मैच पर अपनी पकड़ बनाई रखी। जापान ने मैच में वापसी करने की कोशिश की और हाफ टाइम तक स्कोर 3-2 तक पहुँच गया। भारत की तरफ से चौथा गोल लाल रैमसियम ने किया, जो कि इस टूर्नामेंट में उनका पहला व्यक्तिगत गोल भी रहा। भारतीय टीम की तरफ से पिछले मैच में हैट्रिक लगाने वाली गुरजीत कौर ने 7वें और 9वें मिनट में दनादन 2 गोल करके जापान पर बढ़त हासिल कर ली। इससे पहले कजाकिस्तान के साथ हुए मैच में गुरजीत कौर की हैट्रिक के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट 2017 के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अब फाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।